सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हमारे लेफ्ट साइड में ये हमारे फ्यूज़ हैं और जो हमारे राइट साइड में ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो आप सभी ने फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर्स को कहीं ना कहीं घरों में लगे हुए ज़रूर देखा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों का जो है वो काम क्या होता है एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर के बीच में डिफरेंस के बारे में, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए आखिर ये दोनों होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर बोथ आर प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, जो कि हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को वेरियस फॉल्ट की कंडीशन में। अब फॉल्ट्स हमारे कैसे हो सकते हैं ये, और जो हमारा सर्किट ब्रेकर है यानी फ्यूज़ है, ये कौन से फॉल्ट्स की कंडीशंस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये फ्यूज़ जो होता है वो होता क्या है। जो हमारा फ्यूज़ होता है ये ग्लास, पोर्सेलिन या फिर इलेक्ट्रिक किसी प्लास्टिक मटेरियल का बना हो सकता है, जिस पे एक थिन वायर लगी होती है। अब जो थिन वायर होती है इसकी एक थर्मल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगी। तो कब ये मेल्ट होती है, जब हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है ओवरलोड की वजह से। अब ओवरलोड होगा तो हमारे ओवर करंट होगा, और ओवर करंट होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, जिसकी वजह से एक टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएगी। अब जैसे ये मेल्ट होगी उससे क्या होगा कि जो कॉन्टैक्ट्स है वो हो जाएंगे ब्रेक, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आगे करंट नहीं जाएगा और जो हमारा सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कॉज बाई एक्सेस करंट फ्रॉम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। अब जो हमारा सर्किट ब्रेकर है और जो हमारे फ्यूज़ है, इन दोनों का काम एक ही होता है, सर्किट को ब्रेक करना या फिर हमारा जो करंट है उसको फॉल्ट की कंडीशन में उसको आगे बढ़ने से रोकना। तो जो सर्किट ब्रेकर है और जो हमारा फ्यूज़ है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ये शॉर्ट सर्किट के केस में भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हमारा जो फ्यूज़ था वो सिर्फ ओवरलोड या फिर ओवर करंट की कंडीशन में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर जो है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशन सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ की। सो अब हम बढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर्स की तरफ। तो सबसे पहले तो हम बेसिक लेंगे कि किस बेस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो हमारा बेस होगा वो होगा वर्किंग प्रिंसिपल। जो हमारा फ्यूज़ है ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। सो जो हमारे बीच में उसमें कंडक्टिंग मटेरियल की एक थिन वायर लगी होती है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर जो है हमारा फ्यूज़ जो है वो वर्क करता है। सो वहीं पर जो हमारा सर्किट ब्रेकर है ये वर्क करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड स्विचिंग प्रिंसिपल। अब जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर वर्क करता है एंड स्विचिंग प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो जो हमारा फ्यूज़ होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई फॉल्ट आता है, जब वो फॉल्ट डिटेक्ट करता है या सर्किट को ब्रेक करता है, तो उसकी जो वायर होती है वो हो जाती है मेल्ट। सो मेल्ट होने के बाद उसको दोबारा से हमको रिप्लेस करना पड़ता है उस वायर को, मतलब वहाँ से हटा के उसमें नई वायर लगानी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, उसी वायर को हम रीयूज़ नहीं कर सकते, मतलब उस फ्यूज़ को हम रीयूज़ नहीं कर सकते। तो वहीं पर जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक स्विच लगा होता है जो कि एक ऑटोमेटिकली ट्रिप होने वाला स्विच होता है। तो जैसे ही हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है वो ट्रिप हो जाता है, लेकिन जैसे हम उस फॉल्ट को रिपेयर कर देते हैं उसके बाद हम उसको दोबारा से मैनुअली उसको ऑन कर सकते हैं या फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ये रीयूजेबल होता है, वहीं पर हमारा जो फ्यूज़ है वो रीयूजेबल नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें फ्यूज़ में जो है कोई ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है या नहीं होता है। तो फ्यूज़ में सिर्फ फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, उसमें कोई भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं। वहीं पे हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होते हैं।
सो बात कर लेते हैं कि जो हमारा फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर है वो किस टाइप की प्रोटेक्शन देते हैं। सो हमारा जो फ्यूज़ होता है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ओवरलोड या फिर ओवर करंट के अगेंस्ट ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो ओवरलोड ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट की केस में हमको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में। सो कॉस्ट जो है वो फ्यूज़ की काफ़ी चिपर होती है सर्किट ब्रेकर के मुकाबले। वो इसलिए क्योंकि फ्यूज़ जो हमारा होता है उसमें एक वायर होती है ओनली, वहीं पे हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें काफ़ी चीज़ें होती है लगी होती है। सो जिसकी वजह से ये सर्किट ब्रेकर जो है ये कॉस्टली होता है फ्यूज़ के मुकाबले। आई होप आप लोगों को डिफरेंसेस समझ आए होंगे फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर के बीच में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।